हम अपने स्मार्ट वॉच में हम अपना खुद का फ़ोटो को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा जो स्मार्ट वॉच है वो फायरबोल्ट कंपनी का स्मार्ट वॉच है और इसमें मैंने जो है अपना खुद का यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोटो यहाँ पे सेट करके रखा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों के पास भी फायरबोल्ट कंपनी का स्मार्ट वॉच है तो आप भी अपने स्मार्ट वॉच में बिल्कुल मेरी तरह आप भी अपना खुद का फ़ोटो अपना खुद का वॉलपेपर जो है लगा पाओगे सेट कर पाओगे। तो कैसे क्या करना है फ्रेंड्स चलो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों पर एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो स्मार्ट वॉच है वो कितना में खरीदा है, ठीक है? आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसने जो है कितना में खरीदा है। मैंने ये जो स्मार्ट वॉच है वो करीब मैंने जो है 1500 के आसपास मैंने जो है खरीदा है। तो आपने कितना में खरीदा है यार कमेंट करके आप हमें जल्दी से बताओ, ठीक है? तो चलो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फायरबॉल कंपनी का जो स्मार्ट वॉच है उसमें हम लोग किस तरीके से फोटो को सेट करते हैं अपना, ठीक है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल फोन का जो गूगल प्ले स्टोर है उसको ओपन कीजिए। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे आ जाइए। सर्च पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डाफिट ये जो एप्लीकेशन है, अगर आप लोग फ्रेंड्स फायरवॉल कंपनी का स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं तो आपके फोन में ये एप्लीकेशन होगा ही, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके सिंपल से ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका ये जो स्मार्ट वॉच है वो आपके फोन के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कनेक्टेड दिखा रहा है और हमारा यहाँ पे जो है मॉडल नेम भी दिखा रहा है और मॉडल नंबर भी हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग बैटरी चार्ज भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो कनेक्ट है हमारा यहाँ पे, ठीक है? कनेक्ट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों को वॉच फेसेस देखने को मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एडिट का ऑप्शन है फर्स्ट में ही, ठीक है? तो जस्ट आप लोग इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे अपने जो प्रीव्यू में सेट वगैरह करके रखा है वो दिख जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो डिफॉल्ट है, प्रीसेट वन है, तो इधर आप लोगों को स्लाइड करना कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स चूज फ्रॉम एल्बम का एक ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो आपका जो गैलरी है फ्रेंड्स वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा गैलरी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम फोटो पे क्लिक करेंगे। फोटो पे क्लिक करके फ्रेंड्स हम यहाँ पे कोई सा भी एक फोटो को हम लोग ले लेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स एक फोटो को ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले फोटो को यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग जो है कुछ अपने अनुसार इसको जो है एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लूँगा और यहाँ से मैं सेट पे क्लिक कर दूंगा। सेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो जस्ट आप लोग इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो अभी जो आपका वॉच वो अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे देख सकते हो स्विचिंग बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या करना आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है। और अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे देख सकते हैं जो ये स्मार्ट वॉच में जो हमारा वॉलपेपर है जो हमारा फोटो है वो यहाँ पे चेंज भी हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से यूज करके आप लोग भी अपने फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच में अपना जो खुद का फोटो या अपना खुद का जो वॉलपेपर को सेट करना चाहते हो तो आप लोग सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे यार एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो घंटे का आइकन है उसको तो जरूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग मोबाइल वाला जॉन।